व्हाट्सएप गाइस, मैं हूं सुमित और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोसुमित यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों के कोई भी फ़ोन पे MIUI का नोटिफिकेशन पैनल, लॉन्चर, नेविगेशन बार और वॉल्यूम पैनल सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसका एक लुक। तो MIUI जैसा आप लोग अपने फ़ोन में लुक देने के लिए मेरा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग MIUI जैसा वॉल्यूम पैनल अपने फ़ोन में सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐप है, इसका नाम है अल्ट्रा वॉल्यूम। तो इसे ओपन कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद, और उसके बाद इसे स्टार्ट में क्लिक करके स्टार्ट कर लीजिए। और उसके बाद स्क्रीन में आप लोगों को MIUI का एक वॉल्यूम पैनल दिख रहा होगा, तो इसे आप लोग सेट कर लीजिए। और इसे अपनी तरीके से आप लोग का कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर दे सकते हैं। तो कलर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम पैनल का कलर चेंज हो चुका है। और उसके बाद आप इसमें जेस्चर भी सेटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग एडवांस में क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। तो आप लोग अगर राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो वॉल्यूम पैनल ऑटोमेटिक शो करेगा। तो आप लोग इस वॉल्यूम पैनल को यूज़ कर सकते हैं MIUI के लिए। तो इसके बाद MIUI या MIUI 12 जैसा नोटिफिकेशन पैनल सेट करने के लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है MIUI कंट्रोल सेंटर। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे ओपन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन सेट मिलेगा, जो कि MIUI का नोटिफिकेशन पैनल है जो पहले था। तो आप लोग इसका पैनल देख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम MIUI जैसा पैनल आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद है कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर में आप लोगों को MIUI 12 का नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा। तो इसे सेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं MIUI 12 जैसा नोटिफिकेशन पैनल है। और अगर आप लोग लेफ़्ट साइड से स्वाइप करते हैं नीचे की तरफ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर राइट साइड से स्वाइप करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा, जिसमें आप लोगों को सारे सेटिंग मिल जाता है। और इसमें अलग से भी सेटिंग है, आप लोग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, MIUI जैसा लॉन्चर सेट करने के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा CC लॉन्चर। ये लॉन्चर आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा और आप लोग इसे वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और ये लॉन्चर ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये लॉन्चर कुछ हद तक MIUI जैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्ले स्टोर पर काफ़ी ढूंढा लेकिन MIUI जैसा कोई भी लॉन्चर नहीं मिला, बट ये लॉन्चर थोड़ा बहुत MIUI जैसा दिखता है, तो आप लोग इससे काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, MIUI जैसा जेस्चर, नेविगेशन बार, होम, बैक और रिसेंट बटन अगर आप लोग अपने फ़ोन पे ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपना फ़ोन का जो नेविगेशन बार है इसे ऑफ कर लीजिए। और उसके बाद एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है FNG। तो इसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद इसे ऑन कर दीजिए। तो इसे ऑन करते ही आप लोगों के फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन ऑन हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है, लुक एंड फील का ऑप्शन मिलता है, और इसे आप लोग एडिट करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेस्चर नेविगेशन बार और MIUI कंट्रोल सेंटर का वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है अलग से, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। और उसमें डिटेल्स में बताया गया है कैसे आप लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन चारों ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन को MIUI जैसा लुक दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।